हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। मेरे फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें जूनियर इंजीनियर और उसके साथ और भी बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। डिप्लोमा बीटेक दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सैलरी 76,980 पर मंथ मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 76 है। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो कि वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहीं पर फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट माइंस मैनेजर के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग माइनिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का बीईटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ आप लोगों के पास फर्स्ट क्लास या तो सेकंड क्लास मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप लोग बीबीटेक किए हो तो उस केस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और अगर आप लोग डिप्लोमा किए हो तो उस केस में मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें आप लोग को सैलरी 63,000 पर मंथ और उसके साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस 8,980 और उसके साथ साथ माइंस अलाउंस 5,000 पर मंथ, यानी कि ग्रॉस सैलरी 76,980 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफिसर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग ग्रेजुएशन करने के बाद एचआर इंडस्ट्रियल रिलेशन और पर्सनल मैनेजमेंट में से 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग सोशल वर्क में से मास्टर्स किए हो तो भी इसके एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, इसमें भी आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 76,980 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट है सर्वेयर के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सर्वे इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ सर्वेयर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके अलावा मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसमें आप लोग को सैलरी 41,000 पर मंथ और उसके साथ साथ एचआर 5,890 और उसके साथ माइंस अलाउंस 3,800 यानी कि ग्रॉस सैलरी 50,690 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट है ओवरमैन के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग माइनिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो और उसके साथ अगर ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसमें आप लोग को ग्रॉस सैलरी 50,690 पर मंथ मिल जाएगी। और लास्ट है जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो और उसके साथ अगर मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 50,690 पर मंथ मिल जाएगी। उसके साथ साथ हर एक साल में आप लोग का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपका जो सैलरी है वो 3% करके इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसमें आप लोग को मैक्सिमम 3 साल के लिए हायर किया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट 55 ईयर्स का रहा गया है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन आप लोग को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें आप लोग का जो इंटरव्यू होगा वो कोलकाता पे होगा। अप्लाई करने के लिए आप लोग को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। अप्लाई करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन फी यहीं पे नहीं है, हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रह गया है 25 दिसंबर 2023। अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आप लोग को वेबसाइट में से मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप लोग को ईमेल के थ्रू पे भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोग को किसी भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे
शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूर सुनने के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।